हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी वर्कशीट हम देख लेते हैं। ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 31 है। ये है 15 सितंबर की वर्कशीट। ये जो आपकी वर्कशीट है, ये है आपकी एक एक्टिविटी है, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स, उस पर बेस्ड ये एक्टिविटी है। तो अब से जो है आपकी जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर है, जैसे डिटरमाइनर्स, मोडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, टेंसेज, रिपोर्टेड स्पीच, तो ये सब जो ऑलरेडी आप अब तक कर चुके हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन में, उसी की रिविजन में अब आपकी ये वर्कशीट्स हैं जो अब आ रही हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो है डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स के ऊपर। तो ये वर्कशीट देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे लाइक और सब्सक्राइब कर इस कंटेंट से वो गेन उठा सके। तो अब आगे चलते हैं कि आपका यहाँ पर वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। तो डिटरमाइनर्स आप ऑलरेडी इसमें वर्कशीट कर चुके होंगे या आपके टीचर्स ने समझाया होगा। तो डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिटरमाइन वर्ड से ये वर्ड आता है, डिटरमाइनर्स। तो क्या डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि क्या डिसाइड करते हैं, क्या आपको बताते हैं। तो ये बताते हैं कि इसकी किसी कोई चीज जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहाँ पर है। तो कुछ भी आपको डिटरमाइन करना है, अगर आपको देखना है कि वो कितना है या कैसे है, तो वो जो है वो डिटरमाइनर्स से पता चलता है हमें। जो वर्ड्स है जो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई चीज जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, या वो कहाँ है, या वो कैसे है, किस सिचुएशन में है। तो इस तरह से डिटरमाइनर्स का यूज होता है। वहीं आर्टिकल्स, आपको ऑलरेडी पता है कि आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ऑलरेडी आप इस पर एक वर्कशीट कर चुके हैं। ऑलरेडी अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है, वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस आपसे कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे। बाकी हमारे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी वो वीडियो वहीं पर अपलोडेड है। तो आपकी यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है आपको, और उसमें आपको यहाँ पर डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स का यूज करना है और उससे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो उस वो देख लेते हैं कि क्या बताया गया है आपको, क्या पूछा गया है। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो विद मनी। तो आपने एक ऑलरेडी एक स्टोरी पढ़ी थी, लेंचो की स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें बताया गया था कि पोस्ट मास्टर ने जो है लेंचो को मनी की मदद की थी। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर, दिस इज हाउ आई डिड इट। तो पोस्ट ऑफिस में जो है आप पैसे जो है भिजवा सकते हैं अपने किसी जानने वाले को, और वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप मनी ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं। तो एक पर्सन है, उसने यहाँ पर शेयर किया है कि उसने मनी ऑर्डर के थ्रू कैसे पैसे भिजवाए। तो वो जो है यहाँ पर पैसे दिया हुआ है, और फिर उसमें बीच बीच में कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड यहाँ पर ब्लैंक पे जो है आप फिल करेंगे। तो यही आपकी ये पहला क्वेश्चन है, वो जल्दी से फिर देख लेते हैं। आई हैड टू सेंड डैश मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। मुझे अपने ब्रदर को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे भेजने थे। तो अब यहाँ ऑप्शन आपको दिए हैं सम मनी, फ्यू मनी। अब मनी जो है वो आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मोर अप्रोप्रिएट है, कौन सा आप ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आप अगर पढ़े आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर, आई हैड टू सेंड फ्यू मनी टू माई ब्रदर, तो मनी जो है उसके साथ आप यूज करेंगे सम, क्योंकि आप कितना मनी ऐसे सेंड कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। फ्यू का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है कि थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तो नहीं, आप ब्रदर को भेजेंगे तो कुछ पैसे मैंने भेजे, तो सम यहाँ पर आएगा। आई हैव टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर। नेक्स्ट है आपका, कंटिन्यूएशन में चलते हैं। डैश टोल्ड मी दैट इट वॉज डैश चीपेस्ट वे टू ऑफ सेंडिंग मनी। तो किसी ने आपको बताया कि ये जो थी, ये सेंडिंग मनी भेजने का, मनी ऑर्डर जो है सबसे सस्ता रास्ता है, सबसे सस्ता जो है वो उपाय है। तो अब जब कोई कहता है आपको कि किसी ने आपको बताया, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं समवन या एनीवन। तो एनीवन तो हो सकता है कोई भी, पता नहीं कौन था जिसने मुझे बताया, और समवन है कि किसी ने मुझे बताया। तो समवन टोल्ड मी, तो कोई जानने वाला था या कोई था जिसने आपको बताया। एनीवन में पता नहीं कौन था, कोई भी हो सकता है वो, तो एनीवन, इट कैन बी एनीवन। तो इसलिए समवन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर समवन टोल्ड मी दैट इट वॉज डैश चीपेस्ट वे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि चीपेस्ट वर्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड डिग्री है।
तो यहाँ पर पहला मेन वर्ब होगा वो होगा चीप, फिर होगा चीपर, फिर होगा चीपेस्ट, मतलब सबसे सस्ता। तो जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर यूज होगा, मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को और उसमें ये हाईएस्ट पर है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि चीपेस्ट के साथ द आता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि टोल्ड मी दैट इट वॉज द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी, तो ब्लैंक में आप यहाँ पर भरेंगे द चीपेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी। फिर आगे चलते हैं, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू डैश काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। तो जैसे मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर गया, तो वहां पर मैं एक काउंटर था जिस पर मनी ऑर्डर लिखा था, वो उस काउंटर पे मैं गया। अब ये जो काउंटर जो है ये स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक इस पे लिखा हुआ है कि मनी ऑर्डर, तो ये स्पेसिफिक काउंटर पे गया है, मतलब एक पर्टिकुलर काउंटर पे गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू द काउंटर, मतलब किसी भी काउंटर पे नहीं चला गया, वो उसी स्पेसिफिक काउंटर पे गया जिस पर मनी ऑर्डर लिखा हुआ था, तो ये जो है द यहाँ करेक्ट होगा। फिर आई बॉट डैश मनी ऑर्डर फॉर्म बाई पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर। तो फिर मैंने जो है मनी ऑर्डर फॉर्म, एमओ फॉर्म भी बोलते हैं इसको, उसको मैंने खरीदा। तो अब जो है मैंने एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदा होगा ना, मतलब इतने सारे मनी ऑर्डर के फॉर्म होंगे उस क्लर्क के पास, तो उसमें से मैंने एक ही लिया होगा। उन वो जो फॉर्म्स थे उनमें से कोई स्पेसिफिक तो नहीं उठाया होगा कि भाई कोई खास मुझे यही वाला फॉर्म चाहिए, नहीं, आपका मनी ऑर्डर के जितने भी फॉर्म थे उनमें से कोई भी एक आप उठा लीजिए, कि सारे फॉर्म तो सेम ही होंगे मनी ऑर्डर के जो फॉर्म होंगे। तो इसलिए आई बॉट अ मनी ऑर्डर, मैंने एक जो है मनी ऑर्डर फॉर्म वहां से खरीद लिया, क्योंकि मनी ऑर्डर फॉर्म जो है उनमें से मैंने कोई एक स्पेसिफिक नहीं छांटा, जो मनी ऑर्डर फॉर्म का बंच था उनमें से एक एक मैंने ले लिया, तो स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए अ यहाँ पर यूज होगा। और कैसे खरीदा मैंने ये, बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट डैश काउंटर। तो वहां काउंटर पे जो बंदा था, जो पर्सन था, उसको मैंने पैसे देकर खरीदा। अब ये काउंटर कौन सा काउंटर था, ये वही काउंटर था जो जहां पर बंदा गया था, वो मनी ऑर्डर जहां लिखा था वही काउंटर था, तो ये स्पेसिफिक है, तो इसलिए एट द काउंटर, तो उसी काउंटर पे किया, तो इसलिए द काउंटर, ये अ नहीं आएगा क्योंकि ये कोई भी काउंटर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक काउंटर की बात कर रहा है। फिर आगे चलते हैं, फिलिंग द एमओ फॉर्म वॉज इजी, एमओ फॉर्म मनी ऑर्डर फॉर्म जो था वो भरना बहुत इजी था। डैश बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, तो कुछ बॉक्सेस जो है वहां पर दिए गए थे मेरी डिटेल्स वहां पर भरने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ एमओ फॉर्म भी दिखा देती हूँ, यहाँ आपको वर्कशीट में बताया गया है ये एमओ फॉर्म होता है, तो देख लीजिए। तो कुछ यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं, तो अगेन आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पर सम या एनी, तो कुछ बॉक्सेस आपको दिए गए थे या एनी बॉक्सेस, एनी मतलब कोई भी, तो कोई भी बॉक्सेस तो नहीं दिए गए थे, कुछ बॉक्सेस दिए गए थे, तो इसलिए सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माय डिटेल्स, डैश डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड। अब कौन कौन सी डिटेल्स कंप्लीट करनी थी, पहला ऑप्शन है ऑल डिटेल्स, सभी डिटेल्स कंप्लीट करनी थी, फ्यू डिटेल्स या कुछ डिटेल्स कंप्लीट करनी थी। तो कोई भी फॉर्म होता है, ऑफिशियल फॉर्म होता है, तो ऑब्वियसली आपको सभी डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है, आप ऐसी अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऑल डिटेल्स जो है यहाँ पर करेक्ट आएगा। आगे चलते हैं, आई पेड डैश अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर, तो मैंने जो है जो अमाउंट अपने ब्रदर को भेजना था वो मैंने पे कर दिया, सो आई पेड डैश अमाउंट। अब इसमें डैश में ऑप्शन दिया है अ या द, आई पेड अ अमाउंट या आई पेड द अमाउंट, तो ये स्पेसिफिक अमाउंट की बात कर रहा है, वो अमाउंट जो मुझे अपने ब्रदर को भेजना था, तो ये एम ही कोई भी अमाउंट नहीं है बल्कि वो स्पेसिफिक अमाउंट जो मुझे अपने ब्रदर को भेजना था, तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर द लगाएंगे, आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद डैश ट्रांसफर चार्जेस। तो मैंने जो है वो जो अमाउंट जो था वो अपने क्लर्क को दे दिया, वहां पर जो काउंटर पे क्लर्क था उसको दे दिया जो अमाउंट मुझे भेजना था, और साथ ही साथ मैंने जो ट्रांसफर के जो चार्जेस थे, मतलब कि ऑफकोर्स फ्री में तो भेजेंगे नहीं, कुछ तो चार्जेस लगेंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो चीपेस्ट वे जरूर है भेजने के, तो उसमें जो ट्रांसफर के जो चार्जेस थे वो मैंने क्लर्क को पे कर दिया, अलॉन्ग विद द ट्रांसफर चार्जेस और अ ट्रांसफर चार्जेस। अब आप इजीली ये बता सकते हैं कि यहाँ पर द आएगा क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये चार्जेस जो है वो प्लूरल है,
और और एंड जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो अ ट्रांसफर चार्जेस तो वैसे ही गलत हो गया। साथ ही साथ आप स्पेसिफिक चार्ज की बात कर रहे हो कि वो चार्ज जो ट्रांसफर करने पे जो चार्ज लगता है वही चार्ज, तो इसलिए अगेन द यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर लास्ट सेंटेंस आपका यही है कि द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड के लिए आपको फिर एक रिसिप्ट भी दी गई। तो ये प्रोसेस है कि आप मनी ऑर्डर से जो है पैसे भिजवा सकते हैं। आगे आपको बताया गया है कि और भी मेथड्स हैं जिनसे आप पैसे भिजवा सकते हैं, तो कुछ आपको वो मेथड के बारे में बताया गया है। देर आर थ्री मोर मेथड्स थ्रू विच वी कैन ट्रांसफर मनी टू समवन, तो तीन और मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। वो कौन से मेथड है अभी आपको एक मिनट में बताते हैं उनके बारे में। उससे पहले यहाँ पर दो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके भी आपको ब्लैंक्स जो है फिल करने हैं। तो पहला सेंटेंस है डैश कैन यूज दीज मेथड्स, तो ऑप्शन है एनी वन, ऑप्शन है समवन, तो सही ऑप्शन यहाँ आएगा एनी वन। तो कोई भी इन मेथड्स को यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोग, मतलब समवन कोई स्पेसिफिक होंगे जो कुछ ही लोग होंगे जो इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर चाहे तो वो इन मेथड्स को यूज कर सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन है यहाँ पर। तो अगर वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आप कैसे भी कहीं पर भी हो आप इसको मेथड को यूज कर सकते हो, इन तीनों मेथड को। अब वो कंडीशन क्या है, डैश मस्ट हैव डैश अकाउंट इन डैश, तो नन मस्ट हैव तो होगा नहीं, वन मस्ट हैव, तो इंसान को एक किसी को जो है एक की बात कर रहे हैं, तो इंसान को जो है एक बंदे को जो है उसे क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, वन मस्ट हैव डैश अकाउंट, तो एन अकाउंट, तो उसका जरूर अकाउंट होना चाहिए, कोई एक अकाउंट होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए अकाउंट, इन अ बैंक, तो जरूरी नहीं कोई एक स्पेसिफिक बैंक में होना चाहिए, कोई भी आपका बैंक हो सकता है, SBI हो सकता है, HDFC हो सकता है, कोई भी आपका बैंक हो उसमें आपका कोई एक अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो वन मस्ट हैव एन अकाउंट इन अ बैंक, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आप इन तीन मेथड से जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। अब वो तीन मेथड कौन से हैं, यहाँ पर आपको वो बताए गए हैं, जल्दी से वो मेथड भी देख लेते हैं। तो जो तीन मनी आपको बताए मेथड आपको बताए गए हैं, वो पहला मेथड है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेफ्ट भी बोलते हैं इसे। तो जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हैं बैंक में, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से जो आप पैसे भेजते हैं वो नेफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं, आप RTGS के थ्रू भेज सकते हैं और IMPS के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन मनी का कर सकते हैं। तो नेफ्ट के बारे में यहाँ लिखा है डैश ट्रांसफर कैन नॉट एक्सीड ₹50,000, तो जो नेफ्ट का जो ट्रांसफर है तो वो एक बारी में जो है आप जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ईच ट्रांसफर आप यहाँ लिखेंगे, तो ईच ट्रांसफर जो है, एक ट्रांसफर जो है वो 50,000 से जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है। सेकेंड आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS क्या होता है, देयर इज नो लिमिट फॉर डैश अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, तो ऑप्शन आपको दिए हैं एनी या सम, देयर इज नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, देयर इज नो लिमिट फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी, तो कोई भी मनी जो है कितना भी आपका अमाउंट है उस पर लिमिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एनी, जैसे ही मैंने कहा कोई भी अमाउंट जो है तो आपका आ जाएगा ऑप्शन एनी। सम का मतलब होता है कुछ, तो देर इज नो लिमिट फॉर कुछ अमाउंट, तो कुछ अमाउंट का तो यहाँ कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है, तो कोई भी आपका अमाउंट हो उस पर यहाँ पर लिमिट नहीं है, तो एनी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड आपका मेथड होता है मनी सेंड करने का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज मेड, द पेमेंट इज इमीडिएट, तो जैसा कि नाम बता रहा है इमीडिएटली मतलब कि एकदम से जो है आप इसमें पैसे भेज सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपका इतना ही है, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स के थ्रू आपको ये भी बता दिया गया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।